हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और एयरफोर्स वन दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लेन्स में से एक माना जाता है, जो कि बोइंग 747 का मॉडल है। इस प्लेन को टक्कर देने के लिए अब भारत में भी एक प्लेन एयर इंडिया वन आ चुका है, जिसे खास भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए कस्टमाइज किया गया है। कहा जाता है कि इसे कोई भी मिसाइल अटैक नहीं कर सकता और ना ही इसमें कोई गोलियों का असर होता है। दुश्मन का फाइटर प्लेन इसे ट्रैक भी नहीं कर सकता। पर क्या सच में ये इतना एडवांस है? वेल, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? कौन कौन से टेक्नोलॉजी से लैस है ये प्लेन और क्या इसमें भी कोई खामी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एयरफोर्स वन या एयर इंडिया वन जैसे सुरक्षित VIP एडवांस प्लेन को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले एक प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए, जिसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सके। और आज के दौर में हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एयरबस और बोइंग। बात करें सेफ्टी की तो बोइंग का नाम सबसे पहले आता है बजाय एयरबस के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एयरबस सेफ नहीं है। दोनों ही प्लेन अलग अलग सेफ्टी फीचर्स से लेस है। एयरफोर्स वन की ही बात कर लेते हैं, जो कि बोइंग 747 का मॉडल है। इतना ही नहीं, एविएशन के शुरुआती दौर से ही जितने भी एयरफोर्स वन बनाया गया, उन सब में बोइंग के प्लेन्स को ही मॉडिफाई किया गया था। एयर इंडिया वन भी बोइंग का ही प्लेन बोइंग 777 का इस्तेमाल करती है। बोइंग कंपनी के प्लेन्स को चुनने के पीछे भी कुछ कारण है और ये कारण मैंने ढूंढ के निकाला है। हो सकता है आपका और दूसरों का ओपिनियन मुझसे अलग हो। पहली बात तो ये कि एयरबस साइड स्टिक का यूज करती है, जो कि बेहद छोटा होता है। इसमें आपको ऐसा फील नहीं आने वाला कि आप कोई बहुत बड़े प्लेन को उड़ा रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, जबकि बोइंग के प्लेन्स में योक लगा होता है। ये योक मैकेनिकली और हाइड्रोलिक के जरिए प्लेन के कंट्रोल सरफेस से कनेक्टेड होता है। ऐसे में बोइंग का योक पकड़ने से आपको ये फील आएगा कि हाँ, हम प्लेन उड़ा रहे हैं। अगर इसके टेक्निकल टर्म्स को आसान भाषा में समझें, तो एयरबस फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मतलब कि साइड स्टिक डायरेक्टली प्लेन को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि एक कंप्यूटर प्लेन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइड स्टिक को लेफ्ट की ओर मूव करते हैं, तो ये कंप्यूटर प्लेन के कंट्रोल सरफेस का यूज करके इसे लेफ्ट की ओर मोड़ देगा। लेकिन अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए, तो ऐसे केस में कंप्यूटर बंद हो जाएगा और प्लेन का साइड स्टिक भी काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं है। जबकि बोइंग के साथ ऐसा नहीं है, ये कंप्यूटर के साथ साथ मैकेनिकली भी कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए, तो योक में ढेर सारा फोर्स लगा के योक को मूव करके प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि बोइंग का प्लेन रॉड से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा एयरबस को पायलट फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि प्लेन को तेजी से टर्न करके नीचे ले आए, तो एयरबस में ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि बोइंग का प्लेन पायलट को फुल्ली कमांड दे देता है कि आप जिधर चाहे जैसे भी चाहे प्लेन को मोड़ सकते हैं। इसलिए फाइटर पायलट्स अक्सर बोइंग के प्लेन्स को पसंद करते हैं, और शायद इसीलिए भारत और अमेरिका ने भी एयरफोर्स वन और एयर इंडिया वन के लिए बोइंग के प्लेन को ही चुना। नाउ अब बात करते हैं उस प्रोसेस की, जिसके जरिए एक नॉर्मल बोइंग के प्लेन को एयर इंडिया वन में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले किसी प्लेन को मॉडिफाई करने के लिए एक प्लेन चाहिए। एयर इंडिया वन के टीम ने बोइंग 777 को चुना। जब कभी भी आप कोई बाइक या कार खरीदते हैं, तो कंपनी के द्वारा उसका इंश्योरेंस किया जाता है। इट मींस अगर कोई हिस्सा टूट जाए, डैमेज हो जाए, या किसी इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ जाए, या फिर ये कहीं क्रैश ही क्यों ना हो जाए, इन सब की जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। प्लेन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आप प्लेन को खरीद कर खुद से मॉडिफाई करते हैं, तो वारंटी चली जाएगी। इसके बाद अगर प्लेन में कुछ खराबी आता है, तो कंपनी वाले कहेंगे, माफ करो मुझे, मेरे से कुछ ना हो पाएगा। इसलिए प्लेन को मॉडिफाई करने से पहले आपको अरबपति बनना पड़ेगा। खैर, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए हमें प्लेन के मॉडिफिकेशन पर फोकस करना है, ना कि प्लेन के इंश्योरेंस या वारंटी पर। प्लेन का मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट से होता है। दोस्तों, कहने के लिए तो एयर इंडिया वन सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है। इसमें सिर्फ वो ही ट्रेवल कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। इसके अलावा बॉडीगार्ड, नाई, खाना बनाने वाले लोग, प्लेन का पायलट, ड्राइवर,
ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। इन लोगों के रहने खाने पीने सोने का इंतजाम भी करना पड़ता है और इसीलिए बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन की जरूरत पड़ती है। ऐसे केस में कम से कम 6 एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। वो पायलट्स किसी कमर्शियल प्लेन के पायलट नहीं होते, बल्कि वो सभी एयरफोर्स के पायलट्स होते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के बाद सारे कमांड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम मिलिट्री वालों के पास होता है और ये सभी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होता है। अगर एयर इंडिया के टेक ऑफ के बाद कोई दुश्मन सरफेस टू एयर मिसाइल से अटैक करता है तो पायलट को अटैक से पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्लेन का रडार हर ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करता रहता है। जो भी प्लेन के पीछे आएगा या आने की कोशिश करेगा तो रडार के जरिए पायलट को आसानी से पता चल जाएगा कि एक अनवांटेड ऑब्जेक्ट प्लेन का पीछा कर रही है। इस ऑब्जेक्ट का साइज, शेप और स्पीड से यह पता चल जाएगा कि ये कोई मिसाइल अटैक ही है। पर घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल एयर इंडिया 1 का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये प्लेन आसानी से इसे चकमा देकर निकल सकता है। एक हीट सेंसिंग मिसाइल हाई एल्टीट्यूड में, जहां टेम्परेचर -40 से -50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकती है, वहां पर इंजन से निकल रहे हॉट गैस को मिसाइल आसानी से सेंस करके प्लेन को लॉक कर सकता है। इसके बाद ये मिसाइल तब तक प्लेन के उस इंजन का पीछा करेगी जब तक कि वो उसे हिट ना कर दे। पिछले साल 8 जनवरी 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन को भी एक हीट सेंसिंग मिसाइल के द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें कि सभी यात्रियों की मौत हो गई। हालांकि वो एक कमर्शियल प्लेन था और उस प्लेन के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय मौत के। लेकिन एयर इंडिया 1 के साथ ऐसा नहीं है। एयर इंडिया 1 के पास फ्लेयर टेक्नोलॉजी है, जो इस तरह के मिसाइल से प्लेन को प्रोटेक्ट कर सकता है। बेसिकली जब भी कोई मिसाइल प्लेन के पीछे आता है तब पायलट को रडार के जरिए पता चल जाता है। इसके बाद वो फ्लेयर को ड्रॉप कर देता है, जिसमें कई सारे आग के गोले प्लेन से बाहर निकलते हैं। ये आग के गोले इंजन के हीट से भी अधिक हीट जनरेट कर सकता है और एक हीट सेंसिंग मिसाइल जो कि इंजन के हीट का पीछा कर रही थी, वो अब इन आग के गोलों का पीछा करेगी। अब क्योंकि मिसाइल सिर्फ एक है और आग के गोले ढेर सारे, ऐसे में मिसाइल इधर जाएगा, उधर जाएगा, किधर जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना तो साफ है कि ये एयर इंडिया 1 के तरफ नहीं जाएगा और इस तरह से एयर इंडिया 1 ऐसे मिसाइल से भी बच सकता है। इस टेक्नोलॉजी को कई सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रडार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। इसके अंदर खुद का रडार सिस्टम इनबिल्ट होता है। इसे हीट से कोई भी मतलब नहीं है। इट मींस अगर इस मिसाइल को फायर किया जाए और पायलट फ्लेयर को ड्रॉप कर दे तो इस मिसाइल को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो सीधे प्लेन को ही हिट करेगा। ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जिसे एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। ऐसे मिसाइल से बचने के लिए एयरफोर्स 1 में चाफ का इस्तेमाल किया जाता है। चाफ बेसिकली रडार गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसमें बेहद पतले एल्यूमिनियम, मेटलाइज्ड ग्लास, प्लास्टिक जैसे बेहद पतले पीसेस को भरा जाता है और इसे फायर करने पर मेटल्स का एक बादल बन जाता है। ऐसे केस में मिसाइल के रडार सिग्नल को ब्लॉक कर देगा या फिर डिस्ट्रैक्ट कर देगा और मिसाइल अपना रास्ता भटक जाएगा। इस तरह से एयर इंडिया 1 में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इस प्लेन में मौजूद है, जो कि इसे और भी सुरक्षित बनाती है। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। एयरफोर्स की टीम ऐसे इंफॉर्मेशन को सुरक्षित सिक्योर करके रखती है, ना कि विकिपीडिया में डालते, और इसीलिए मैं इससे ज्यादा बता भी नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।